मैं कल रिटायर हो रहा हूं और पिछले 2-3 हफ्तों से काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि मिस्टर प्रकाश राठौर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आपकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है। मैंने इस सवाल को टाल दिया हर बार, लेकिन हर बार मुझे एक ही केस याद आया। ये केस कहीं भी किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, बस जहन में है मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। That bastard had the guts to just walk into our lives and blow it apart. It was a Wednesday. हाँ भाई, कहाँ जाना है आपको? FIR लिखवाना था। राइट साइड 3 नंबर में। कौन मारा? वो बीवी ने मारा था। अभी तो इसमें शर्मा क्यों रहा है ना? FIR किधर? उधर जाइए। किसे मारा? कुकर से। कंप्लेंट लिखवानी थी। आप उधर बैठिए, उधर मैं आपको भी बुलाता हूँ। उधर बैठिए। हाँ भाई, क्यों मरा? क्या साहब के वो अबे जल्दी जल्दी बोल, यहाँ और भी लोग हैं वेटिंग में। अरे साहब, मैं बोला कि खाने में नमक ज्यादा है, बस एकदम से सटक गई साहब। उसके राइट साइड में प्रेशर कुकर पड़ा था, उठा के मेरे लेफ्ट साइड में मार दिया साहब। सर आप एक बार उसे जोर से डांट दो साहब, मेरे को गड़ी गड़ी मारती है। अबे पागल, ऐसी बातें बोलने क्या क्या कभी। अब जा घर, जा घर, जा करके अपनी बीवी को सॉरी बोल, वरना अगली बार नमक की जगह कुछ और डाल दिया ना, समझ गया ना? हाँ, हंसते हंसते रहने का, चल। साहब वो रपट, अबे चल ना। हेलो हेलो, जम्मू एंड कश्मीर, आइए प्लीज आइए। um,
क्या हुआ? मेरा पर्स खो गया। कैसे? कैसे मतलब कोई चीज कैसे खोती है? मतलब कहाँ खोया? पता नहीं, अभी भी मैंने चेक किया तो नहीं था। क्या कहता उसमें? उसमें बीवी का फोटो था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड था। धीरे धीरे। सॉरी, पैन कार्ड था, एटीएम कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, रेलवे पास था, थोड़े पैसे थे, बीवी का फोटो था। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। जी क्या? बीवी का फोटो था, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। पैसे कितने थे? 300, 350। टॉयलेट किधर है? नाम और पता। राजेश कुमार शर्मा, 301 मानसरोवर सोसाइटी, एसवी रोड, बोरीवरी वेस्ट। टेलीफोन नंबर? 9832456784। ये लीजिए, कल फोन करके पता कर लीजिएगा। और टॉयलेट उधर राइट में। थैंक यू। सर हमेशा कराची का नंबर फ्लैश होता है सर। पहले तो फोन करता था तो कभी भाई, कभी सर, कभी बॉस। अपना नाम इम्तियाज बताता था, कहता था कि आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, 3-3, 4-4 बार, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। पर सर आज सुबह फोन आया तो बोला कि इमरजेंसी है, 25 लाख रुपए चाहिए। मिस्टर अर्जुन खन्ना, एग्जैक्टली क्या बोला वो जरा बताएंगे? हेलो। अबे देसाई का फिल्म क्यों नहीं साइन कर रहे तू? बताया था ना कि अपना खास है, दोपहर तक मेरे को गुड न्यूज मिलना चाहिए, नहीं तो मैं इधर से एक्शन बोलेगा, उधर एक शूटिंग होएगा और तुम्हारा लाइफ कट हो जाएगा। एक बार और 25 लाख रेडी रख, थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ किसके हाथ में देना है। 25? इतना टाइम क्यों लेता है फोन उठाने में? 2 रिंग में फोन उठाने का हमेशा, समझ गया? हेलो। हाँ बस चेक कर रहा था, चल फोन रख। चेक इधर है यार, तुम इसको लेके यूं ट्रेन में इनसे ट्रैवल मत किया करो। बाई रोड गई ना तो कल तक लौटूंगी। तो किसने कहा आगे घर बार बार जाने को? इसके होने के बाद पहली बार ही तो जा रही हूँ। क्यों, पिछले हफ्ते तुम आई थी हमारे यहाँ? हाँ तो उससे एक हफ्ते पहले भी तो आई थी। तो ये कि थोड़ा आना जाना कम किया जाए, वरना माँ जहाँ रहती है उस इलाके का ऐसा है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सोच लो। तुम माँ से इतना क्यों डरते हो? डरता नहीं हूँ, जलता हूँ। अच्छा, इतना सारा टाइम जो बिताती है तुम लोगों के साथ। अच्छा चलो चलती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, बाय। फोन करती रहना। हाँ मैं पहुँच कर फोन करती हूँ। ₹20
रुपया चल 500 रुपया निकाल 500 रुपया अरे साहब निकाल 500 रुपया क्या कर रहा है सर मैंने तो मांगना बंद कर दिया लेकिन ये लोग दे देते दे। पूछो मैं मना कर रहा था ना फिर हाँ, हाँ। प्यार से दे देते सर क्या करें सबका प्यार लेकर ओवरवेट हो गया लेकिन और प्यार चाहिए सॉरी सर कितना लिया 20 लौटा ये लो 20 और दे सर थोड़ा प्यार बांटना भी चाहिए समझा ओके सर आप मेरे को पैसा दे रहे हो साहब बाप बोलता था लेकिन मैं नहीं माना कलयुग का टाइम आ गया है बैठो बैठो हेलो दिस इज गुड कम ऑन गेट इट ओके शिपबॉय शेय ओके Ready to move in? 3, 2, 1, go. धन्यवाद दीपक ये वही इलेक्ट्रिक पोल है जिसे कल रात एक आदमी 15 मिनट तक चिपकने के बाद भी जिंदा बच गया जी हाँ शंभूजी कल रात जब अपने फैक्ट्री से वापस लौट रहे थे तब वो इसी दलदल में जा गिरे और एक खुले तार के कारण वो सीधे जाकर इस पोल से चिपक गए और 15 मिनट तक हजारों वोल्ट के झटके खाने के बाद भी वो एक चमत्कारी ढंग से बच गए तो आइए इस अद्भुत घटना से गुजरने वाले माफ कीजिएगा गुजर कर वापस लौटने वाले शंभू जी से कुछ बातें करते हैं शंभू जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हजारों वोल्ट के झटके आपके शरीर से गुजर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था कॉल फॉर टेक्निकल स्नैग इन 10 सेकंड्स नैना रिपीट हमें ये बताइए कि जब हजारों वोल्ट के झटके आपको लग रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था मस्त बहुत अच्छा लग रहा था अच्छा आजकल लोग आपको इलेक्ट्रिक बाबा कहते हैं तो इस नए नाम से आपको कैसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है कट इट क्या यार वी विल डू इट अगेन इन 5 मिनट्स राज इसको कुछ लाइन देना प्लीज इसको तो हर बात पे अच्छा लगता है यार रोज दारू पीकर गिरता है परसों गटर में पड़ा था हम दोनों साथ में गिरे थे तब तो किसी ने नहीं पूछा आज देखो साले को मेरे को निकालो आप यहां से ये लोग मुझे रोज मारते हैं कल रात मेरे सेल में दो लोग फिर से घुस आए थे और सब जगह मारा आपने तो कहा था इन्फॉर्मर बन जाऊंगा तो बच जाऊंगा लेकिन क्या हुआ मैं इधर और आपका ट्रांसफर उधर एटीएस में अरे भाई मेरे को बचा लो या तो ठोक डालो लेकिन यहां मत छोड़ो पता है मेरे घर वालों का चैन से जीना मुश्किल हो गया है प्रोटेक्शन के नाम पे जो कांस्टेबल भेजा था वो साला मेरी बहन को छेड़ता है मैंने सुना है आपका बाहर गांव कहीं ट्रांसफर होने वाला है मैंने भी सुना है जब डिपार्टमेंट आपका ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा एक चाय मिलेगी जी अभी लाया साहब हॉस्पिटल जाएगा हाँ जाऊंगा ना अरे भाई कुछ दिन मारे बाकी सब मैं संभाल लूंगा भरोसा है ना मुझ पर एक आपका ही तो भरोसा है अरे भाई Thank you, baby. तेरे घर पे ड्यूटी कौन देता है 12:75 सर मुझे लगता है मैं टारगेट किया जा रहा हूं क्योंकि मैं माइनॉरिटी ग्रुप का हूं ना सर माइनॉरिटी ग्रुप मिस्टर अर्जुन खन्ना आप माइनॉरिटी ग्रुप के कैसे हो सकते हैं
सर पूरी इंडस्ट्री में खान्स मेजोरिटी में, उनको छोड़ के बस अमित जी, अभिषेक और मैं। हाँ ये सर। मिस्टर खन्ना, ये एसआई जयसिंह है, आपका केस यही हैंडल करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, विल क्रैक दिस सून। सर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना सर? अरे आप हीरो लोग हैं, हमारी फिल्मों में हीरो को कुछ होता है क्या? कभी कभी होता है ना सर। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सर ये आप जस्ट रिलैक्स, आप अपने काम पर जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। माय मैन, माय ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नॉट एट ऑल, ये हमारे हीरो हैं, एक फोन आया और पेट खराब हो गया। शांतिनगर के लड़के हैं सर, मस्ती कर रहे हैं, पटवर्धन को मालूम है, उसको बोलो ये सब बंद करवाए, नहीं तो एक घड़ी घड़ी फोन करके हमारा वक्त बर्बाद करेगा। राइट सर। हाँ शंभू जी, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमको लगता है इलेक्ट्रिक पोल लगाया, ठीक किया, लेकिन गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। हमको लगता है गवर्नमेंट को गड्ढा खोदने से पहले सोचना चाहिए कि काम आदमी, हमारे जैसा आदमी उस गड्ढे में गिर सकता है। आज जिधर जाओ उधर गड्ढे है, आज शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में शहर है। प्रशासन को सारे गड्ढे का हिसाब देना होगा। जी तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन ऐसा क्यों करती है? प्रशासन को गड्ढे खोदना अच्छा लगता है। तो ये थे शंभू जी उर्फ इलेक्ट्रिक बाबा, जिन्होंने मौत को न जाने कितने बोल्ट का झटका दे दिया है। कैमरामैन राज के साथ नैना रॉय, यूटीवी न्यूज। हाँ जी बोलिए। देखिए आप नाराज मत होइएगा, लेकिन मैंने अभी देखा घर पर खीर का सामान ही नहीं है। आपको तो पता है बच्चों को खीर कितनी पसंद है। आते हुए जरा बादाम। हाँ 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 लेता हूँ, लेता हूँ। सब्जी में टमाटर मत। नहीं बोलूँगा। सॉरी मुझे अभी याद आया, आप गुस्सा तो नहीं हुए? थोड़ा सा हुआ था, लेकिन पूरा शहर पड़ा है ना गुस्सा उतारने के लिए। कब लौटेंगे? वही 7:30। आ जाइए फिर बात करते। हाँ आता हूँ आता हूँ।
हमारे जैसा आदमी उस गड्ढे में गिर सकता है? आज जिधर जाओ उधर गड्ढे है। आज शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में शहर है। प्रशासन को सारे गड्ढे का हिसाब। हेलो कमिश्नर प्रकाश राठौड़। कौन बोल रहा है? राठौड़ साहब टोकिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं और ये सारे बॉम्ब्स ठीक 6:30 पर ब्लास्ट होंगे, लेकिन ये अवॉइड हो सकता है। मैं आधे घंटे बाद आपको फोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए और मैं सिर्फ किसी एक इंसान के साथ बात या नेगोशिएट करूंगा। तब तक आप लोग ये फैसला कर लीजिए कि वो आदमी कौन होगा। हेलो हाँ, मेरे 555 वाले नंबर पर लास्ट कॉल किसका था जरा पता करो। जय सीएम साहब कहाँ है? हेलो मिस नैना रॉय। यस हू इज दिस? डजंट मैटर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि आप इलेक्ट्रिक बाबा से ही खुश हैं या सीरियस न्यूज में भी कोई दिलचस्पी रखती हैं आप? What? Is this some kind of... Just answer me, Nana. This is big. आप इंटरेस्टेड हैं? Yes or no? Yes. तो आप अपने कैमरामैन के साथ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाइए। This is going to be the most important day of your life. मैं फिर फोन करूंगा। राज, अननोन नंबर है तो मुझे मालूम है। ट्राई करते रहो, 5 के अंदर मुझे वो नंबर चाहिए। और खतरे से बोलो मेरा सेल इमीडिएटली टैप करे। ओके जी तिवारी जी, हाँ दे रहा हूँ, जस्ट वन सेकंड सर। तिवारी सीएमएसपी है। हाँ तिवारी जी। जी प्रकाश जी बोलिए। हाँ सीएम साहब कहाँ है? इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए। पाटिल साहब को फोन दीजिए। पाटिल साहब भी मीटिंग में है, बोलिए ना क्या बात है। बहुत छोटी बात है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। पाटिल साहब को फोन दीजिए। समझ रहे हैं ना सर? चलो वो आप ही से बात करना चाह रहे हैं। हाँ प्रकाश जी, पता नहीं आप कैसे करेंगे लेकिन 15 जय चौहान हेमंत और आकाश को वॉर रूम में आने को बोलो। राइट सर। सर प्रीपेड मोबाइल नंबर है, नंबर जिग्नेश सेठ का नंबर है, मलाड का एड्रेस है, मलाड पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर दिया है। सर अब यह नंबर नॉट रीचेबल आ रहे हैं। Attention guys, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम में से कोई अपनी फैमिली वालों से बात करना चाहता है, किसी को वॉर्न करना चाहता है तो नो सर। हमारे पास सिर्फ 4 बाकी हैं। चौहान इंटेलिजेंस में अब्बास से बात करो, पता करो उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। यह बात अभी सिर्फ
वेरिफिकेशन के लेवल तक रखना। सर वॉटकर, अपने सोर्सेज से पता करो कि पिछले हफ्ते किसी भी टेररिस्ट मॉड्यूल में कोई मूवमेंट हुई है, कहीं भी एक्सप्लोसिव्स के इधर उधर होने की कोई खबर। गेट इन टच विद योर इन्फॉर्मर्स। राइट सर। और आकाश, अगली बार कॉल ट्रेस होनी चाहिए। गेट योर बेस्ट मैन ऑन द जॉब। सर। मिस्टर राठौर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फाइन, बोलिए। अभी कुछ देर पहले मेरे सेल पर एक फोन आया था, एक आदमी। नहीं ले सकते, सीएम साहब की तरफ निकल सकते। हेलो। यस राठौर साहब, किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आप मुझे? मिस्टर रॉय से, बस आने वाले हैं, तब तक तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं सिर्फ उस आदमी से बात करूंगा जिसके पास डिसीशंस लेने की अथॉरिटी हो। मैं फिर 5 मिनट बाद फोन करता हूं। वैसे आप लोगों को याद दिला दूं कि आप अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। टेक माई एडवाइस, यू शुडंट बाय टाइम ऑन दिस। टू शॉर्ट टू ट्रेस सर, पर ये वो नंबर नहीं है जिससे पहले फोन आया था। Excuse me, sir. मलाड पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उस एड्रेस पे जिग्नेश सेठ नाम का कोई आदमी नहीं था। एक काम करो, सोलंकी को कि सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दे। सर, सीएम साहब लाइन पे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, ये रॉय कौन है? कोई नहीं है सर। हमारी तरफ से कौन बात करेगा फिर? सर आप, हम यहाँ से कॉल पैच करवा देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपके पास अथॉरिटी और बात करना भी जानते हैं। भाषण में और नेगोशिएशन में फर्क होता है प्रकाश, रैली नहीं है ये। तो फिर पाटिल जी या तिवारी? अरे बाप रे, तुम्हें आज से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाते हुए नहीं देखा मैंने प्रकाश। उसकी वजह है सर, क्योंकि अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो उसको रोकने के लिए अनलिमिटेड अथॉरिटी की जरूरत होगी। कोई रेड टेप नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एब्सोल्यूट और कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हो, ये आदमी क्यों चाहिए, ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब मुमकिन नहीं है, बस इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपा रहा था सर। पटेल सर, प्रकाश राठौर ये ऑपरेशन हेड करेंगे। मुझे इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ ला? मैं पूछ लो। जी सर, सेंटर को इन्फॉर्म करना है सर। ये हमारा प्रॉब्लम है और हमको ही सॉल्व करना है। ओके सर। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क एवरीवन। एक्सक्यूज मी। या हेलो राठौर साहब, मिस्टर रॉय नहीं आएंगे, उनकी जगह मैं बात करूंगा। मिस्टर रॉय हैं ही नहीं तो आएंगे कहां से? क्या चाहिए तुम्हें? इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला। ये लोग कौन हैं? इनमें से दो को तो आप ही ने पकड़ा था, बाकी दो को एटीएस ने। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों होगा, हमको तो आदत हो गई है। पहले हम जान लगाकर इनको पकड़ते हैं, फिर एक फोन आता है और हम इनको छोड़ देते हैं। आज भी आप कुछ वैसा ही करेंगे,
ये चारों अलग अलग जगह पर हैं। मैं एक घंटे के बाद फिर फोन करूंगा, तब तक आपका काम यह है कि आप इन चारों को एक जगह इकट्ठा करें। तुम किसके बिहाफ पर बात कर रहे हो? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? कहीं आपको ये शक तो नहीं कि ये क्रैंक कॉल है? हाँ है। राठौर साहब, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिग्नेश सेठ पिछले बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है। उसके बाद वाला नंबर संजय सिंह का था, जिसको गुजरे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। और अब जो नंबर आप ट्रेस करेंगे वो शब्बीर अहमद का होगा, जिसका इंतकाल हुए भी अरसा बीत चुका है। 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला भी ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला आपके हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन को उड़ा नहीं सकता। मतलब ये कि मैंने आपको अपनी पहुंच और आपकी औकात बताने के लिए आपके हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने वाले पुलिस स्टेशन में भी एक बॉम्ब प्लांट किया है। आपके पास 20 मिनट हैं उसको ढूंढ लेने के लिए। ढूंढ लीजिए, नहीं तो 1 घंटे बाद मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। प्रकाश जी, क्या हम आधे घंटे के लिए? जय सर, डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुए सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर, मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। मिल जाएगा सर। ओके जनाब, साफ। नैना रॉय, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन में किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है। I thought you'd be interested. Oh God. Relax, guys. ये आदमी चाहता है कि हमें वो बॉम्ब मिले। ये चाहता है कि हम इसे सीरियसली लें। The bastard wants us to find it. हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। मुझे इस आदमी से दोबारा फोन पर बात नहीं करनी है। सर, चौहान ऑन द लाइन। हाँ चौहान। सर, इंटेलिजेंस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। That's consistent. चौहान, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस डिपो, हर जगह सिक्योरिटी स्टेप अप करो। सर्च एवरीथिंग, एवरीवन। 4 के बैचेस में मल्टीप्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स में भी भेजो। आई वांट यू टू कवर अप एज मच ग्राउंड एज पॉसिबल। कोई पूछे तो बोल देना पुलिस ड्रिल है या सीएम साहब के ऑर्डर्स हैं। गेट ऑन इट नाउ। आकाश आरिफ को फोन करो, उसको बोलो आई वांट हिम हियर एएसएपी। और मुझे इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला पर अपडेट चाहिए। यू गॉट 10 मिनट्स सर। तो भेजना उसको। बॉम्ब स्क्वाड कम इन, बॉम्ब स्क्वाड कम इन। किसी ने देखा बाबूराव को? या मात्र कमेंट सर, बॉम्ब मिल गया, ओवर। कॉपी। क्या है सर? आरडीएक्स है बैग में। इसकी मां का। इधर इधर। हमारी नीचे कोई बम रखे गया। बारात में आयो क्या तुम लोग? शिफ्ट इंचार्ज कौन है यहाँ पे? सर, अभी आधे घंटे पहले हमारी शिफ्ट बदली है, मुझे कुछ नहीं मालूम। 5 मिनट में पता करके भेज मेरे पास। ओके सर। सर, बॉम्ब लोकेट हो गया सर। आईडीएक्स था, सेल फोन से ट्रिगर करने का प्लान था सर। गुड सर, 1 मिनट इधर। सर, पक्की इन्फॉर्मेशन है, अंडरवर्ल्ड का कुरियर बॉय है। परसों ही इसने 6 किलो आरडीएक्स की सप्लाई की है। सर, अभी मुंह नहीं खोल रहा है, जब धमकाया तो बोला कि सुबह से पेन किलर खा के बैठा है। ये अच्छा है। ये
कुछ मालूम है? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? दीपक, इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अचानक से यहाँ की गतिविधि में बहुत तेजी आ गई है। आप यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और स्निपर डॉग्स को देख सकते हैं। ये अभी अभी बाहर आए हैं, लेकिन कोई भी हमें किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर रहा है। हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पर बॉम्ब मिलने की सूचना हमें एक फोन कॉल के द्वारा मिली थी। शायद बॉम्ब मिल चुका है और डिफ्यूज भी हो चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर हमें कोई जानकारी अब तक मिली नहीं है। पर हम फिर भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, यूटीवी न्यूज। ओवर। और मुझे फोरेंसिक की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए वॉर रूम में। जय साहब। कॉपी सर। थैंक यू सर। मात्रे कमेंट। कॉपी। जय सर, पगला आ गया, आज फिर कोई मरेगा। हेलो, बिजी हो? नहीं, हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं। माँ कैसी है? माँ ठीक है। ला मुझे दे। क्या बात है, कोई टेंशन? नहीं तो फिर निकलने से पहले फोन करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, मैं खाली डिलीवरी दिया। मेरे को मैसेज आया था कि रफीक को ये बैग देने का, वो कस्टमर रफीक का ही था। मैं तो रफीक से भी पूछा कि ये कौन है करके, बोला तेरी जगह पीछे की सीट पे चुपचाप बैठे रहने का करके। ये रफीक कहाँ मिलेगा? साहब मेरे को मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो सच बताता आपको। आप विश्वास कीजिए साहब, आप बोरी मंडी चौथी गली। तू रहता किधर आजकल? एटीएस में। आप ही ने तो ट्रांसफर कराया था। हाँ, मुझे वो आदमी चाहिए, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वॉट कर बता देगा तुम उसके बारे में। जान से मत मारना, सिर्फ इन्फो चाहिए। मिल जाएगा सर। ओके। यस सर, वो बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है। हाँ, कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कौन था? प्रशांत सर। उसको बोलो घर जाए, कल उसको उसका टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। कैलाश को बोलो टेक ओवर करे। राइट सर। वो मीडिया भी पहुंच चुका सर, यूटीवी न्यूज। ऊपर लेकर आओ उनको। राइट सर। इब्राहिम खान सर, इसका लिंक अलकायदा से है। ये हेड ऑफ ऑपरेशंस इंडिया था सिंस 92। उनकी वेबसाइट पर इसका यही डेजिग्नेशन दिया हुआ है। इसने पूरी कंट्री में 45 मदरसे भी खोल रखे हैं सर, जहां छोटे छोटे बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया जाता है। इसके पकड़े जाने से उनकी हिम्मत टूटती है, और सर अगर ये रिहा हो गया तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। इसको छुड़ाने की ये उनकी दूसरी कोशिश है। एक्सट्रीमली डेंजरस। इखलाक अहमद अगेन अलकायदा, इब्राहिम खान का दाहिना हाथ, फॉर्मर आईएसआई। सर थ्योरी है कि जब आपने इसको पकड़ा था तो एक्चुअली ये खुद को पकड़वाना चाहता था, ताकि इब्राहिम खान को छुड़ाने में और जल्दी हो सके। पिछले 3 सालों में इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें इखलाक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इक्वली डेंजरस इफ नॉट मोर। मोहम्मद जहीर, लश्कर का इंडिया में नंबर 2, फॉर्मर आईएसआई, फॉर्मर अलकायदा। सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की वजह से पाकिस्तान गया और वहां से अफगानिस्तान, और इसकी ट्रेनिंग वहीं हुई। इसने उनके लिए कई वेबसाइट्स भी डिजाइन की हैं। इसकी एक वेबसाइट का नाम है www.indiakitabahi.com। बेसिक बट वेरी इफेक्टिव। इट रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ हिट्स द डे इट ओपन। ये पिछले हफ्ते से हमारे सी जोन वाले हॉस्पिटल में है। इसको चेस्ट पेन्स हो रहे थे सर। खुर्शीद लाला सर, एक आर्म्स पिंप है। इसका एफिलिएशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि सबसे है। किसी को अगर वेपन्स या एक्सप्लोसिव चाहिए तो इससे बात की जाती है। आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए लाला सप्लाई करता है, चाहे वो 1993 हो या 2006, लाला अंदर हो या बाहर। लाला अपने पीछे सुराग नहीं छोड़ता। सर आपको याद होगा कि पिछले महीने जब आपने इसको अरेस्ट किया था तो इसके पास मुंबई शहर के कुछ ब्लूप्रिंट्स और एक रिवॉल्वर मिला था। ये वैसे भी बेल पोस्ट करके जल्दी ही बाहर निकलेगा। सर एक स्पेकुलेशन भी है, ये देखिए। सर इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये हर जगह होता है। अब तक इसने अपने आप को छिपा कर रखा है। इंटेलिजेंस के पास भी इस आदमी को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन के नाम पर है तो सिर्फ अफवाह। कोई कहता है कि ये उनका सीईओ है, कोई कहता है कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट।
सर ये आदमी भीड़ में खोकर रहता है। ऐसा मानते हैं कि इसकी बीवी तक को नहीं पता कि असली जिंदगी में ये क्या करता है। इस कॉल के पीछे ये आदमी हो सकता है। लश्कर, अलकायदा या फिर किसी तीसरी आउटफिट का भी हो सकता है। पता नहीं इस वक्त इस शहर में है या नहीं। इस ऑपरेशन में इसके साथ कम से कम दो या तीन लोग और होंगे। सर स्टॉक एक्सचेंज, बसेस और लोकल ट्रेन्स को तो ये टारगेट कर चुके हैं। मेरा शक है कि इस बार ये कदम आगे और जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स के इतने पास तक घुसाना हैज बिजनेस रिटन ऑल ओवर इट सर। ये आदमी यही है आकाश, वी हैव टू कैच हिम। इन चारों का क्या करें सर, हम वैसे भी इनसे दो कदम पीछे रहते हैं। और अगर ये जहां है वहीं रहने दो। ये लाला तो वैसे भी निकल रहा है, फिर इसे छुड़ाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इससे तो लाला सर्टिफाइड टेररिस्ट बन जाएगा। हो सकता है इनको लाला की जरूरत हो। मेबी। चिचा, आ तीन चाय भिजवा दो। बोला था ताबड़तोड़ पैसे भेज। पहला फोन कितने बजे आया था? हाँ, ये कैमरा और आपका जैकेट वाला दोस्त तब तक अंदर रहेंगे जब तक यू डोंट कम आउट विद द ट्रूथ। करीब 2 बजे के आसपास फोन आया था और उसने मुझे यहाँ कर इंतजार करने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ। यूज कर रहा है वो हमारी सिचुएशन को, हमारे इस पैनिक को, टीवी पर बैठा कहीं लाइव देख रहा है। यू आर हिज ब्लडी आईज। चेस के आसपास ठीक ठाक हाइट, चश्मा पहनता है, कलर टाइप दिखता है साहब। बलाट वेस्ट में प्रीतम नगर के पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है साहब, होम कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में हमारे पर छोड़ दो साहब। पॉटकर, तुम इसे लेके हेडक्वार्टर जाओ। हेलो सर, आ रहे। हाँ सर, पता लग गया, मलाड में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। पॉटकर रफीक को लेके हेडक्वार्टर आ रहे हैं। जय को भेजू? कोई जरूरत नहीं है सर, पकड़ के बात कराता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सनैना। नैना, आई वॉन्ट यू टू डू मी अ फेवर। सर, जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए।
2, 1, go. धन्यवाद दीपक। हमें अभी भी खबर मिली है कि चार खूनखार आतंकवादी जिनके नाम है इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला, इन्हें अपने करंट लोकेशन से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस इन्हें सिक्योरिटी रीजंस बताती है। इस वक्त हमारे साथ है सीनियर इंस्पेक्टर जय सिंह, जो इस पूरे मुद्दे पर हमें जानकारी देंगे। सर, क्या वजह है कि इन चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजंस है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले कि ऐसा करने के लिए। सर, आप बताएंगे ना किससे खतरा है? वो एक्चुअली सिक्योरिटी रीजंस ही हैं, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिले ऐसा करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस हमें जानकारी नहीं दे रही है और इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी रीजंस का नाम देकर हमारे सवालों को टालने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, यूटीवी न्यूज। सर प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए, मेरी बीवी न्यूज चैनल देखती रहती है। दैट वाज गुड जय, थैंक यू नैना। चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। सिक्योरिटी रीजंस है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले। आरिफ, यहाँ कोई नहीं है सर। वो चाहता था कि हम यहाँ आए। डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है। वापस आ जाओ सर। जय सर, हमें उन चारों टेररिस्ट को इकट्ठा करना होगा। स्टार्ट द प्रोसेस। राइट।
वक्त निकलता जा रहा है मिस्टर राठौर, ये बात पब्लिक से छुपाकर कब तक रखेंगे? क्या बताएंगे पब्लिक को? उसको पकड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो नयना रॉय के थ्रू हमें बराबर मॉनिटर कर रहा है। अगर हम अलर्ट अनाउंस करते हैं तो उसे भी पता चल जाएगा कि हेलो मिस्टर राठौर। बोलिए सर, मैं HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से सपना बोल रही हूँ। हम आपके लिए एक एडिशनल कार्ड फ्री में इशू कर रहे हैं सर। हमारे पास एक नया स्कीम है जिसमें आपको पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और लाइफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट एवर कॉल मी। नहीं लेना है तो मत लो, इतना रूड क्यों होते हो सर? हेलो राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। और क्या चाहिए? पैसा? प्राइवेट प्लेन? क्या? नहीं नहीं, उस सब का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू। आप सिर्फ इतना कीजिए कि एक वैन में ये चारों लोग मेरे पास पहुंचा दीजिए। जुहू एविएशन बेस के रनवे नंबर 4 के दाएं तरफ एक नया स्ट्रिप बना है जो अभी पब्लिक यूज के लिए खुला नहीं है। मुझे ये चारों लोग वहां ठीक 5 बजे चाहिए। उनके साथ आपके सिर्फ 2 ऑफिसर्स होंगे, दोनों के पास फोन्स होंगे विद लाउड स्पीकर फैसिलिटी। मुझे इन चारों के ठीक ठाक होने का कॉन्फर्मेशन चाहिए होगा। और हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं वो पहले से रिग्ड है। सो नो स्नाइपर्स, नो कमांडोज, नो सरप्राइजेस, प्लीज नो फनी बिजनेस। एक बात जाननी है, पूछिए। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन किस बुलावे में जी रही है? छुपकर मारते हो, छुपकर जीते हो, सामने आकर लड़कर एक ही बार में इस कहानी को खत्म क्यों नहीं कर देते? हम बहुत डरपोक लोग हैं राठौर साहब। खुश, मुझे उकसाने में आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हर आवाज के पीछे एक शक्ल होती है। मेरी नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो? ऐसा मैं जानता हूँ। क्या गारंटी है कि सब कुछ होने के बाद तुम बॉम्ब की लोकेशन मुझे बता दोगे? गारंटी? मैं आपको पंखा बेच रहा हूँ। नहीं, पंखा बेच रहे होते तो मैं सवाल नहीं करता। यहाँ हजारों की जान को खतरा है। मुझ पे भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता है? मैं आपको ठीक 5 बजे फिर फोन करूंगा। हाँ आकाश। मल्टीपल ट्रेसेस सर, मुलुंड, सेंटा क्रूज, कराची, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका। दिस इज यूनिक सर, एक ही कॉल को बिना डिस्कनेक्ट किए हुए मैनिपुलेट करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के सिम कार्ड और लैंडलाइन से बाउंस किया जा रहा है। हर एक मिनट में नंबर स्विच हो रहा है सर, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने फोन को किसी सिस्टम के थ्रू रूट करें। जो भी ये कर रहा है सर, वो किसी PCO में ट्रेन किया हुआ आदमी नहीं है। तो तुम लोग उसे ट्रेस नहीं कर सकते सर? इसके लिए हमें एक दूसरे तरह के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि? वी नीड हैकर सर। देन गेट वन। जू एविएशन बेस की बुकिंग लिस्ट चेक करो, कौन सा प्राइवेट प्लेन किसके लिए किसने बुक किया है। सर या सर, बाहर एक सब इंस्पेक्टर है सर, उसने उस आदमी को देखा सर। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है सर, उसके पास एक काला JNK ट्रेविल्स का एक बैग था। वो एक रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था सर, उसका पर्स खो गया था। तुम क्या कर रहे थे? सर इतनी सिक्योरिटी थी वहां, मैं क्या कर सकता था। देखिए सर, ये उसका एड्रेस और फोन नंबर। नंबर ट्राई किया सर, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। बोरीवली पुलिस स्टेशन को एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोल दिया सर। ये दोनों उसके नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है वो। एक स्केच आर्टिस्ट को इससे मिलवाओ, उसका स्केच बनवाओ और इसको दिखाओ। रफीक किधर है? 12 नंबर में। रफीक को स्केच दिखाकर वेरीफाई करवाओ। राइट सर। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक 5 बजे जुहू एविएशन बेस के मेन गेट पर पहुंच जाओ। नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना नहीं ठीक से। तुम मुझे यूज कर रहे हो? तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारे जैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। I'm in party to sir. Come on, don't flatter yourself, Naina. इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में अगर इंडिया हारती है तो कोई ये नहीं कहता कि गलती ESPN या स्टार स्पोर्ट्स की है। This is not a cricket match, goddammit. हाँ या ना? मेरे पास 10-15 फोन नंबर्स और भी हैं। There's a lot of news-hungry people out there.
हाँ या ना? गुड। तो जुहू एविएशन बेस के मेन गेट पर ठीक 5 बजे। फैक्शन क्या है सर? लोग लगे हुए, लेकिन जब तक हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तब तक हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस इज रिडिक्यूलस। लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बन गया है प्रकाश। हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, इंटेलिजेंस है, रॉ है, एटीएस है, हम लोग बार बार इतने लाचार क्यों पड़ जाते हैं? हम लोग मीडिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अलर्ट साउंड ऑफ नहीं कर सकते। आई सिंपली कांट बिलीव दिस। मजाक बन गए हम। सर वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर। पर वो पूरा नहीं पड़ रहा है प्रकाश। मुझे लगता है हमें आर्मी और सर कोई फायदा नहीं होगा सर। एक्सक्यूज मी सर। बोला सर, मैंने उस आदमी को सुना है। मेरी राय में प्रकाश जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम लोग पैनिक और सवाल करने की बजाय इनकी मदद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड हिज कॉम्पिटेंस टू डील विद दिस इज अनक्वेश्चनेबल सर। दो ऑफिसर्स जो उनको लेके जाएंगे वो कौन है? सर आरिफ खान और जय सिंह। प्रकाश तुम सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं तुम्हारे पास, और तुम सोलंकी है। सर प्लीज ट्रस्ट मी। प्रकाश मुंबई में आज फिर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे सर। और मुझे वो 4 लोग उनके हवाले नहीं करना है। दैट आई विल ट्राई सर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। ओके ओके चल। सर वो बोरीवली वाला एड्रेस गलत है सर। बॉम्ब नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। आरिफ कहाँ है? आर्मी में सर। आज किसकी शक्ल देखकर उठे थे तुम दोनों? अपनी सर। तभी तैयार हो? सर। तुम लोग यहां से सीधा टीएस मिल्स जाओगे। वहां ये चारों तुम दोनों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। ये चारों इस वक्त स्पेशल फोर्स के जरिए अपने अपने ठिकानों से पिकअप किए जा रहे हैं। ये रे ट्रांसफर ऑर्डर्स। इब्राहिम खान चलिए। स्पीकर फैसिलिटी है, तुम दोनों एक साथ हम सब की बातें सुन सकोगे। जुहू एविएशन बेस पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। द क्विकेस्ट वे टू रीच बाय द हाईवे, तुम लोग वही रास्ता लोगे। हमारी तरफ से तुम दोनों के अलावा एक ड्राइवर होगा जो तुम लोग को वहां ड्रॉप करके वहां से निकल जाएगा। सर सर मुझे नहीं लगता है कोई रेस्क्यू अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। मुझे भी नहीं लगता कि ये पब्लिक शूट आउट रिस्क करेंगे। इससे इन चारों की जानों को खतरा हो सकता है। दिस इज नॉट ए प्री प्लान्ड ऑपरेशन, इट्स एक्सटेम्पोर। सो दैट्स इट गाइस।
Just keep your cool. All the best. And come over to my place in the evening. We'll have a drink together. Sir, right, sir. Jay? Sir. शायद सब खत्म होने पर तुम्हें आरिफ को यू नो व्हाट आई मीन अंडरस्टूड सर ये बच्चा कौन है सर इसका नाम अनुज है हैकर है सर साइबर क्राइम केसेस क्रैक करने में अक्सर हमारी मदद करता है इतना क्वालिफाइड है ये सर वैसे तो कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन अनुज ये इक्विपमेंट और ये सेटअप समझ में आ रहा तुम्हारी नो सर ये सारे इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हैं आप लोग अभी भी एन सीरीज के 3423 मॉडल्स यूज कर रहे हैं जबकि एस सीरीज को लॉन्च हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आई नीड सम टाइम थोड़ा वक्त तो लगेगा ये होगा तुमसे हे बेब्स या रनिंग लेट हनी विल कैच यू इन हाफ एन आवर Okay, love you. See you. Women. Sorry, आप कुछ कह रहे थे? ये होगा तुमसे? Definitely. I'm a dropout by choice, sir. ओके सर चौहान से कांटेक्ट करो फिर इसको मेल से या फैक्स से हर पुलिस स्टेशन और एजेंसी में भेजो फिर अपने रिकॉर्ड्स चेक करो देन डीएफएस के जरिए इंटरपोल या एफबीआई से बात करो आई वांट एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस मैन ओके सर बाबू तुम यहीं रुकोगे शिनाख्त के लिए सर क्या स्टेटस है ऑन स्केड्यूल है सर एनी प्रॉब्लम नॉट एट ऑल सर ठीक है वहां पहुंच के मुझे फोन करना यस सर क्या नाम है आपका जरूरी नहीं है वाकई मिया जी आपको क्या लग रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है इब्राहिम भाई इन लोगों के सहमे हुए चेहरे देखकर लग रहा है कि हम रिहा होने वाले हैं मुझे तो यह भी लग रहा है कि शायद हम लोग आग है हम
को हमारी जवानी याद आ गई। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, मौत के गोद में बैठते थे तो भी अकड़ते। 6 साल का था, मेरे अब्बा जान की किसी से जाति दुश्मनी थी। 3 लोग मेरे स्कूल आए और मुझे उठा कर ले गए। उन लोगों ने मेरे बदले पैसे मांगे, अब्बा जान ने दे दिए, लेकिन उन लोगों की भूख नहीं मिटी, मुझे बेहिसाब मारा जान, गले तक आ गए, इतना मारा। जब थक गए तो मेरे दाहिने पांव में रस्सी डाली और एक पेड़ पर लटका कर जाने लगे। मैंने आवाज लगाई, उनमें से एक मुड़ा, मैंने उसे कहा कि चचा अगर लटकाना है या तो आम के पेड़ से लटका दो। आदमी हंस पड़ा, मुझे उतारने को बोला। उतरा तो मेरे सर पे एक टप्पी मारी और मुझे घर भेज दिया। मैं बच गया। 4 साल बाद मैंने उन तीनों को उसी पेड़ से लटका कर मारा। इसको भी यही मार दो ना मियां। हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ हूँ? स्टेशन पर हूँ, ट्रेन पकड़ने वाली हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आज कुछ ज्यादा ही चेकिंग चल रही है। नहीं वो कुछ नहीं, ड्रिल चल रही है। काजल कैसी है? काजल रो रही है। तुम कहाँ हो? यूं ही बाहर निकला हूँ। देखना हम लोग तुमसे पहले घर पहुँच जाएंगे। रखती हूँ अनु। आई लव यू टू। घर पहुँच के फोन करती हूँ। ओके बाय। हम लोग पहुंच गए। स्टे पुट, आई विल कॉल बैक। एक सेकंड ऑन। हेलो राठौर साहब, वो लोग पहुंच गए वहां? हाँ, मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूं। आपके ऑफिसर का नाम क्या है? आरिफ खान।
क्या हुआ? कुछ नहीं। सर, आरे फोन लाउडस्पीकर पर डालो, कोई तुमसे बात करना चाहता है। सर, आरिफ लाइन पर है, बोलो। आरिफ, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। वो सुन रहे हैं, बोलो। हाँ साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत। हाँ साहब, हमें ये हिदायत दी गई है कि हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लें कि ये लोग आप ही हैं, कोई बहरूपिये नहीं, या इस मुल्क की पुलिस ने कोई तरकीब या साजिश तो नहीं की है, इसलिए आप एक एक करके मुझे अपने नाम और दस्तखत बताएंगे। तफसील की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा काफी होगा। इब्राहिम खान, बंबई 93, फक्र है। इखलाक अहमद, गुजरात 2002, फक्र है। मोहम्मद जहीर, मुंबई 2006, फक्र है। खुर्शीद लाला, 92 से लेकर 6 तक, फक्र है। बहुत ही उम्दा दस्तखत हैं आप लोगों के। आरिफ, ये फोन जरा हैंडसेट मोड पे खान साहब को देना। हेलो खान साहब, आप लोगों को कोई इंजेक्शन या कोई चीज खिलाई तो नहीं गई? नहीं, कुछ नहीं, बस हमारे हाथ बंद है। खुल जाएंगे इंशाल्लाह। फोन जरा उस ठुल्ले को दीजिए। हाँ बोलो। आरिफ, तुम्हारे सामने दो बेंचेस पड़े हैं, तुम इन चारों को वहां छोड़ोगे और उनके हाथ खोल के तुम अपने दोस्त के साथ चुपचाप बिना मुड़े वहां से निकलोगे और अपनी वैन में बैठ के वापस अपने पुलिस स्टेशन पहुंचोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, स्टार्टिंग नाउ। और ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि अगर तुमने कोई बेवकूफी की तो हजारों जाने जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आरिफ के वहां से निकलने के बाद मैं आपको फिर फोन करूंगा और उन बॉम्ब्स के एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊंगा। जैसा बोल रहा वैसा करो। सर, इंटरपोल, हमारी इंटेलिजेंस, किसी के पास इस आदमी पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, आज बचेंगे तो कल मारेंगे। इन चारों का गायब होना कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रकाश? सर, सिक्योरिटी में स्नैक था, भाग गए। आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। प्रकाश, तुम तो कमाल। एक्सक्यूज मी सर, लोकल कॉल था। जब वो अगली बार कॉल करेगा तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं। आर यू श्योर? डेफिनेटली सर, ही इज गुड बट नॉट द बेस्ट। ओके। अबा, आरिफ, प्यार से यार, खोलना इसे। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे बच गए और हमें बॉम्ब्स का पता नहीं चला तो? आरिफ, राठौर सर ने कहा है। नहीं जय, इन तीनों को छोड़, इसको साथ लेके चलते हैं और ये तब छूटेगा जब वो हमें बॉम्ब्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। मैं सर को फोन कर रहा हूँ। सर बोलेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। आरिफ, तू पागल हो गया? कोई ना कोई देख रहा होगा हमें यहाँ पे। हमें जाते देख कर वो जरूर फोन करेगा। आरिफ, बहस मत कर, चल जय। आरिफ, गलती कर रहे हो। क्या बोला? गलती कर रहे हो। गलती करना अच्छा लगता है। चल ना। चल रहा हूं ना। इब्राहिम भाई का क्या करेंगे? क्या करेंगे, बाद में छुड़ा लेंगे इनको। अभी क्या खुशी भाई, इंतजार और क्या, कोई ना कोई आता ही होगा। आरिफ, अब क्या है? कोई फोन बज रहा है। देख,
उठा तो सही। मुझे उन बॉम्ब्स के लोकेशंस दोगे? पहले आप जरा आरिफ को फोन करके वहां का स्टेटस मालूम कीजिए, मुझे उसका जवाब सुनना है। संभाल इसको। यस सर। आरिफ क्या प्रोग्रेस है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। मतलब? सर ये उन्हें बचाने का नहीं मारने का प्लान था, वहां पहले से बॉम्ब रखा हुआ था, हम जैसे ही उन्हें छोड़ के बाहर निकले बॉम्ब फट गया, बोथ द बेंचेस आर रिक्ड सर। मतलब वो चारों? नहीं सर, मैंने वहां सिर्फ जहीर, इकलाक और लाला को छोड़ा था। बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए इब्राहिम को अपने साथ ले लिया था सर। हाँ सर, हमारे साथ ही है, जिंदा है। ये क्या हो रहा है? आरिफ ठीक कह रहा है राठौर साहब। आरिफ जरा फोन को लाउडस्पीकर पे लगाओ, मैं चाहता हूं इब्राहिम खान भी ये बात सुने। मैं इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था, और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं, हर दो घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान ना जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वॉन्टिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो आरडीएक्स के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब, यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये चार ही क्यों, और भी तो हैं? मैंने लॉटरी निकाली, इन चारों का नाम निकलाया। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल, और इब्राहिम खान जैसे लोग ही मारेंगे उन्हें। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है।
लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना वो। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है? है? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? एक आदमी गुनहगार है या नहीं इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं? आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या करें। राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मारा था इन ब्लास्ट में? क्यों, मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह इस तरह की जलील मौत मरे? तब मेरा ये कदम आपको जायज मालूम होगा। हाँ जान नहीं है तो सुनिए, मेरा अपना कोई था उस ट्रेन में, 20-21 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका, हर रोज मिलता था फर्स्ट क्लास में, फाटक पे लटक के मुस्कुरा के हाथ हिला के हेलो कहता था, मैं भी उसको जवाब में हेलो कहता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, सिर्फ हेलो से जानते थे। हादसे से एक रोज पहले उसने मुस्कुरा के मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी। He was very happy. अगले रोज मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, पर वो नहीं बच पाया। उसके बाद जब मैं ट्रेन में गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉस इज। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई
pardon my language. लेकिन कोई बटन दबाकर मेरे लिए यह फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है. उन्हें फख्र है 92 पे 93 पे 2006 पे गुजरात मुंबई दिल्ली कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं. मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौड़ साहब, और यह मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी. मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं. क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड अजीब सी है ना. शायद बी डेफिनेट, हां या ना. हां, वो लोग मेरे जैसे 200 को मारें तो ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारूं तो ये अजीब सा है. हैं? आपकी गलती नहीं है. आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है. आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मरो. अपने आप को ही देख लीजिए. जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे. अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है. शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ लूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे बॉम्ब्स वहीं के वहीं हैं. राठौर साहब, आरिफ, ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं. अब से ठीक 10 मिनट बाद नैना रॉय अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंचने वाली है. उनके पीछे एक डॉक्टर और एक एम्बुलेंस भी होगा. मुझे न्यूज पर यह कंफर्म्ड रिपोर्ट चाहिए कि इब्राहिम खान मर चुका है. अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन फोन करके बता दूंगा कि सारे बॉम्ब्स कहां हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो आगे आपकी जिम्मेदारी. आरिफ, आई कॉल यू बैक. सर, अब तुम क्या करोगे मियां? पहले तो कान साफ करूंगा, सुनने में दिक्कत हो रही है. सर, मैं चाहता हूं कि ये डिसीजन आप लें. अपने पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता है? नहीं है सर. लेकिन यह गलत है. वो तो है सर, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर. ये सब क्या है बेटा? व्हाट इज 2+2? क्या? अब से 10 मिनट बाद तुम रनवे नंबर 4 पर जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करोगी. मैंने प्रॉमिस किया था ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा. गो सी फॉर योरसेल्फ. आपने मुझे अभी बेटा कहा? तुमने सही सुना. बाय. काफिर है साला, उसे कुछ नहीं पता. बात हमारी कौम की है, तुम्हारी और मेरी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की, हमारे हक की बात है. हम साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अमेरिका में, लंदन में घुस के मारा ना हमने, कोई रोक सका? बस हिंदुस्तान में आके गलती कर दी. एक आम आदमी की थोड़ी सी हिल गई और वो तुम लोगों को रोक ही नहीं रहा है, ठोक भी रहा है. मरने से मौत का खौफ नहीं है हमें. हम जिंदा क्यों हैं? एक मकसद के लिए, और उसके रास्ते में अगर जान जाती है तो जाए, सुभान अल्लाह. लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं ताकि ये लड़ाई जारी रहे, और हमारी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की. तू मुस्कुरा रहा है? मौत की गोद में अकड़ कम होती दिख रही है. ये सब एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट ही है सर. मुझे इस एक्सीडेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट कल सुबह मिलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. मिल जाएगी सर. सर, हेड्स सर.
बोल के तो मरा होता। टाइम नहीं है, उधर देख। ट्रेस हुआ? हो रहा है सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए, आई वॉज रॉन्ग। ही इज नॉट जस्ट गुड, ही इज द बेस्ट। सर वो एकदम श्योर नहीं लगता कि ये वही आदमी है। मतलब लगता कितने परसेंट लगता है जी? वो अब मैं 1% लगता है जी। मैं बेस पर हूं और ये वही जगह है जहां पर 4 खूनखार आतंकवादी भागने की कोशिश करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन आतंकवादियों के नाम हैं खुर्शीद लाला, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और इब्राहिम खान। मैं अपने दर्शकों को हेलो राठौर साहब बोलो। मैंने कोई और बॉम्ब प्लांट नहीं किया था। पता है। नाइस टॉकिंग टू यू सर। पुलिस ऑफिसर को गंभीर रूप से चोट आई है। उनका नाम है आरिफ खान। आप उन्हें एम्बुलेंस में जाते हुए देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर जय सिंह, जो इस पूरे घटनाक्रम की हमें जानकारी देंगे। सर ये बताइए कैसे हुआ? एक्चुअली हम लोग जा रहे थे, इन 4 लोगों को हमें शिफ्ट करना था, रूटीन प्रोसेस है। टाइम क्या हुआ? हाँ मेरी घड़ी रुक गई है। 5:30 बहुत भारी बैग है आपका। और हाँ जी बोलिए। आप निकल चुके हैं या वहीं हैं? हाँ बस निकल ही रहा था, कोई मिल गया। कौन मिल गया? कोई दोस्त? पता नहीं। आप भी ना।
हाँ बस आ रहा हूँ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था बहुत भारी बैग है आपका। वो मैं छोड़ दूँ कहीं आपको? मेरी गाड़ी वो पुलिस जीप। हाँ नहीं थैंक यू, मैं बस यहीं जा रहा था। श्योर श्योर। प्रकाश राठौर, आई एम। उसने मुझे अपना नाम बताया लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता। इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वन कॉमन मैन हैड द गट्स। ये वाक्या, ये केस किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस जहन में है मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। सही या गलत पता नहीं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग जो भी था अच्छा था।